नमस्कार। बंगाल विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने चुनावी नारा दिया था, दो मई दीदी गई, दो मई दीदी जत्थे, दो मई दीदी। तो वही ममता बनर्जी ने भी ऐलान कर दिया था कि बीजेपी के खिलाफ बंगाल में खेला हो गए, और जब 2 मई को नतीजे आए तो दीदी तो नहीं गई, हाँ बीजेपी के साथ जरूर खेला हो गया और पार्टी एक बार फिर बंगाल की सत्ता से दूर रह गई। बंगाल में खेला होबे का नारा देकर बीजेपी को धूल चटाने वाली ममता बनर्जी की राह पर चलते हुए लगता है अब सपाई मुखिया अखिलेश यादव भी यूपी में योगी मोदी को धूल चटाने का प्लान बना रही है। तभी तो यूपी की हर गली मोहल्ले की दीवार नए नारों से रंगी जाने लगी है और ये नारा है खेला होई। बीजेपी ने जहां अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं, तो वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इस बार के चुनाव में सपाई साइकिल खेला होई का संदेश लेकर पूरे यूपी में जाने वाली है। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तो इसकी शुरुआत भी हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक समद अंसारी ने यहां बनारस में बंगाली नारा खेला होबे का भोजपुरी वर्जन खेला होई का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने तो अपने आवास की दीवारों को भी खेला होई नारे से रंग दिया और अब सपाई मुखिया अखिलेश यादव को पत्र लिखकर मांग भी कर डाली है कि पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों की दीवारों पर ये नारा लिखवाया जाए, जिससे उनमें उत्साह का माहौल बने और 2022 के विधानसभा चुनावों में सत्ता में साइकिल की वापसी हो। हम लोग समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो समाजवादी पार्टी कहती है वही करती है। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। हमारे सपा के संरक्षक मुलायम सिंह के हम लोग सिपाही हैं और अखिलेश यादव जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि सरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जनहित के सभी मुद्दों पर विफल है, जनता ये जान रही है कि सन 2012 से 17 तक जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास हो रहा था, छात्रों नौजवानों को नौकरियां मिल रही थी, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था, बुजुर्गों को विधवा पेंशन मिल रही थी और जो हमारी बहनें हैं शादी के लिए इनको शादी अनुदान मिल रहा था, नौजवान छात्रों को लैपटॉप मिल रहा था, इन योजनाओं को जनता याद कर रही है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर देश का सबसे बढ़िया एक्सप्रेस वे बनाया अखिलेश यादव जी ने, आज पूर्वांचल में पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया, जनता इसको याद कर रही है। इन्हीं के बलबूते सन 2022 में हम लोग पुनः सरकार में आएंगे। खेला होई का शब्द आपने यहाँ सुना है, क्या इसमें पूरा क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जिस तरीके से सन 2021 में बंगाल में खेला होबे वहाँ प्रचलित हुआ था, उसी तरीके से बहुत सारी बातों का उसमें मिसाल मिलती है। इसलिए जनता को बहुत कुछ बहुत कम शब्दों में ढेर सारी बात बताना है उत्तर प्रदेश के अंदर खेला होई। पूर्व विधायक ने राज्य में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा, जनता बीजेपी सरकार से तंग आ चुकी है, महंगाई आसमान छू रही है, अस्पतालों में इलाज और दवाएं नहीं है, कोरोना ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है, किसान जवान और युवाओं के साथ ज्यादती हुई है, 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ये समस्त उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से नई हवा है, नई सपा है, नौजवानों का साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, ये उत्तर प्रदेश की जनता बोल रही है। इसलिए हमने ये बाहर दीवालों पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों कोविड काल के दौरान लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ किया है, लोगों को दवा नहीं मिली, इंजेक्शन नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों को बड़े पैमाने पर जान गंवाना पड़ा, इसी दौरान महंगाई की मार आई देश के अंदर, डीजल पेट्रोल के भाव आसमान छू दिया, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में डीजल पेट्रोल का दाम सबसे न्यूनतम मूल्य पे है, और इस विकट परिस्थिति में जिस तरीके से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने देश को दो भागों में बांटने का काम किया, समस्त उत्तर प्रदेश के अंदर धार्मिक उन्माद पैदा किया, विकास का कार्य रोक दिया गया, आज उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा युक्त है, आप चलने लायक सड़कें नहीं हैं, बनारस में थोड़ी सी बारिश होती है ढेर सारा पानी लग जाता है, और ये जो कहते हैं वो करते नहीं, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है।
बनारस में जहां सपा नेता अब्दुल समद अंसारी ने अपने घर की दीवारों को खेला हुई नारों से रंग डाला, तो वहीं कानपुर में सपा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर इमरान ने तो खेला हुई वाले बड़े बड़े पोस्टर चौक चौराहों पर लगवा दिए। खेला हुबे की तर्ज पर यूपी में खेला हुई नारे के साथ बीजेपी के खिलाफ हुंकार भर रहे समाजवादी पार्टी के नेताओं को देखकर टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर राय बोले, ये एक बहुत ही स्वागत योग्य विकास है। बंगाल मॉडल को सपा ने यूपी की राजनीति में शामिल किया है। अगर हमें कोई भूमिका निभानी है तो हमारा नेतृत्व एसपी के साथ चर्चा करेगा और यदि कोई मौका मिला तो हम बड़े खेल में भाग लेंगे। टीएमसी के खेला हुबे के नारे ने बंगाल विधानसभा चुनाव में चमत्कार किया था। टीएमसी ने अपने सियासी नारे से न सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश भरा बल्कि बंगाल में बीजेपी को करारी शिकस्त दी। अब यूपी चुनाव से पहले इसी खेला हुबे के नारे का भोजपुरी वर्जन खेला हुई एसपी नेताओं में कितना जोश भर सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सपा यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का खेल बिगाड़ पाएगी? अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वाराणसी से NMF न्यूज के लिए शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।